प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका फिर से अपने YouTube चैनल लोड कृष्णा क्लासेस के अंदर। आज क्या है, 15 अगस्त है आज। सबसे पहले हम जय हिंद जय भारत का नारा लेके चलेंगे। और आपको पता है, जय हिंद जय भारत का नारा लेके चलेंगे आज। और आज हम सीखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जो कि 7.2 एक्सरसाइज के अंदर है। क्या सीखेंगे आज हम, सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला क्या देगा हमें, कि हमें कोई पॉइंट देगा दो और उसके कुछ रेशो देगा। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं एम और एन, जो कि क्या है एक्स वन कोमा वाई वन, एन है अपने पास एक्स टू कोमा वाई टू। एक पॉइंट है अपने पास ओ जो कि यहाँ पे है, वो एम वन रेशो एम टू में इसको डिवाइड करता है। अपने को इन चारों में से, देखिए एक पॉइंट M, N, M1 रेशो M2 रेशो मतलब, और एक पॉइंट O, चारों में से कोई तीन चीज़ें देगा, हमने क्या निकालना है, फोर्थ वाला निकालना है। कैसे अप्लीकेबल होगा उस चीज़ को देखिए, और इसके बाद हम स्पेशल केस इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से जो ये X है, O का X पॉइंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम। पहले x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए आप m1 इंटू में x2, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1, m2 इंटू में x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस एम टू। काफ़ी बच्चे, देखिए आपको पता है बहुत भयानक बीमारी चल रही है अपने सामने, और हम क्या कर रहे हैं फिर भी आपको लेक्चर दे रहे हैं। और इन्हीं, आपने ये नहीं देखना कि आज 15 अगस्त है, हम 15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं, उसके बाद जहां मर्जी जाएं और जब भी फ्री हो आपने लेक्चर ज़रूर देखना है और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही इस x की वैल्यू तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू आएगी यहाँ से, अकेले x की वैल्यू, सारे को सोल्व करेंगे एक वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू होगी जो यहाँ का पॉइंट होगा, O पॉइंट का x की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू, देखिए जब x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने x वाले से ही मल्टीप्लाई किया था, हमारा y से कोई लेना देना नहीं था उस टाइम पे। अब क्या है कि हमारा y से लेना देना है, अगर y का पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, m1 इंटू में y2, m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1, m2 इंटू में y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ से क्या आएगा, y का पॉइंट आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x का पॉइंट आएगा। हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का पॉइंट निकालेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूं अभी से, कि क्या दिया मिलेगा, m1 m2 की वैल्यू अपने को रेशो दी मिलेगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है टू रेशो थ्री, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, इस पॉइंट को क्या करते हैं दो रेशो तीन में डिवाइड करता है। दो रेशो तीन में मतलब, अगर ये लाइन है, ये दो पार्ट है और ये तीन पार्ट है, मतलब ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट, इस लाइन को क्या कर दिया, दो रेशो तीन में डिवाइड करेगा। कौन, जो ये पॉइंट आएगा वो पॉइंट। अपने को तीन चीज़ें दे रखी हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं और एक रेशो दे रखे हैं, हमने क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट निकालना है। कैसे, एक बार दोबारा से देखें, एम वन इंटू में एक्स टू, एम वन गुणा में एक्स टू, एम टू इंटू में एक्स वन, M2 गुणा में X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही Y का पॉइंट निकालेंगे तो M1 इंटू में Y2, अगर Y का निकालें तो Y2 के साथ मल्टीप्लाई पहले, M2 इंटू में Y1, M2 इंटू में Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस में M2। देखिए यहाँ पे X का कोई रोल नहीं है और यहाँ पे कोई Y का रोल नहीं है, ऐसे हम सेक्शन फार्मूला को पढ़ेंगे। अब हम बता दें कि जब हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो
कैसे पॉइंट बनेंगे वो भी चीजें देखें। अगर बात आएगी मिड पॉइंट की, अगर ये पॉइंट है इसका क्या है, मिड पॉइंट है, बिल्कुल कहाँ पर है, सेंटर पे है, सेंटर पे ले लिया हमने इस पॉइंट को, तो क्या होगा सेंटर पे, आपको रेशो गिवन नहीं होगी वहां पे, रेशो सेंटर पे हमने ही ज्ञात करनी है। सेंटर पे होगा तो इतना ही पार्ट यहाँ पे होगा और इतना ही पार्ट आगे होगा, दोनों के पास सेम पार्ट होगा। अगर ये भी मार्कर के साइज का है तो ये भी किसके साइज का होगा, मार्कर के साइज का होगा। तो क्या बोलेंगे, 1:1। ऐसे केस में देखिए, पहले हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे क्या रहेगा। जो यहां पे x की वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, कैसी आएगी, 1 × x2 क्या बन जाएगा, x2 प्लस में 1 × x1 क्या बन जाएगा, x1 डिवाइड बाय 2, ये किसकी वैल्यू आएगी, x की। ऐसे ही y की वैल्यू 1 × में क्या रहेगा, y2, और 1 × में क्या रहेगा, x y1 डिवाइड बाय क्या रहेगा, देखिए डिवाइड बाय क्या आएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए आप जब भी क्वेश्चन में बात करेगा मिड पॉइंट की, किसकी बात करेगा, मिड पॉइंट की, तो हमने कैसे पॉइंट लेने हैं, हम उसको सिंपली वे में भी रख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, x1 जमा में x2 डिवाइड बाय 2, वहां से क्या आएगा, x का पॉइंट आएगा, क्या आएगा, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y का पॉइंट कैसे आएगा, y1 जमा में y2 डिवाइड बाय 2, यहां से क्या करेगा, ये मिड पॉइंट निकाल देगा। अगर मिड पॉइंट इसका P था, P ले लिया हमने मिड पॉइंट, तो ये P के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, P के क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, ट्राई सेक्शन की बात करेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, ट्राई सेक्शन की बात करेगा। हम ट्राई सेक्शन को, हमारे आसपास तो ट्राई सिटीज हैं, ट्राई सिटीज कौन सी हैं, चंडीगढ़, पंचकूला एंड मोहाली। देखिए ये चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की है, पंचकूला अपने स्टेट का, जहाँ पे हर एजुकेशन बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, अपना पंचकूला में, और पंजाब की कहाँ पर है, मोहाली में, तीनों ही एक साथ मिले जुले हैं, तो तीनों को ऐसे दर्शा सकते हैं। अगर ट्राई सेक्शन की बात करेगा तो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि उसको तीन भागों में बांट रखा है, एक भाग, दो भाग और क्या आएगा, तीसरा भाग, तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। देखिए ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, रेशो कैसे बनेगा उस चीज को देखें आप। अगर हमने इस पॉइंट को निकालना है, ये पी है, ये क्यू है, इसको ले लिया हमने ए और बी। अगर पी पॉइंट को निकालना है तो पी से पहले कितना है, वन, और पी के बाद कितना है, 1 और 1 2, तो P पॉइंट का रेशो आएगा 1:2। ऐसे ही Q पॉइंट का, Q से पहले कितना है, 1 + 1 कितना है, 2, और Q के बाद कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या रेशो आएगा, 2:1 आएगा। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो क्या दे रखा है उस चीज़ को देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, आज 15 अगस्त है इसीलिए हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 and 7 एंड 4 और -3 इन द रेशो 2:3। देखिए हमने वो पॉइंट निकालना है जो कि Q
क्या है पॉइंट हमने वो बताना है, जो ये पॉइंट दे रखे हैं लाइन के, ए पॉइंट मान लिए, ए पॉइंट क्या मान लिया हमने माइनस वन और सेवन, और जो बी पॉइंट है हमने उसको क्या ले लिया फोर और माइनस थ्री। इसमें क्या बोला गया है वो चीज़ें देखिए आप, कि जो पॉइंट दोनों दे रखे हैं लाइन के पॉइंट दे रखे हैं अपने को, और ये जो तीसरा पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है वो इस लाइन को किस रेशो में फाइंड करता है, डिवाइड करता है 2:3 में। अगर 2:3 में डिवाइड करता है तो देखिए इसका मतलब क्या रहेगा, कि पहले तो पेपर वाले को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये नहीं है कि मैं 2:3 ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे पॉइंट रख दिया और ये 2:3, ये चीज़ें सरासर गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इस पार्ट को अगर मैं 2 मानता हूँ, इस पार्ट को 3 नहीं मान सकता, क्योंकि वो पार्ट क्या है, छोटा है। हमने इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी है ताकि अच्छे मार्क्स और नॉलेज भी होनी चाहिए अपने को कि 2:3 लिया तो क्यों लिया है और कैसे लेंगे इसको। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2:3 अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट कितना है 3, लगभग लग रहा है ऐसा, तो ये क्या आ जाएगा 2:3। आपने स्टेटमेंट लिखनी है और इस पॉइंट के कोई नाम दे देंगे या पी नाम दे देंगे, जो कि इसके कोऑर्डिनेट के अलर्ट कर लेंगे हम एक्स और वाई। यही हमने निकालने हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पहले सेक्शन फार्मूला को दोबारा से आपको रिकॉल करवाया जाएगा ताकि हमें क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। अब लिख देंगे लेट जो पॉइंट एक्स और वाई है, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा इसका, लेट पी एक्स वाई बी, जो पी पॉइंट है हमने उसको क्या कर लिया एक्स वाई लेट कर लिया, डिवाइड्स किसको ए बी को, डिवाइड्स ए बी इन रेशो, इन रेशो 2:3। ठीक है, हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया जो कि डिवाइड्स कर रहा है ए बी को इन रेशो 2:3। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं कि ए और बी एक लाइन है और जिसकी पॉइंट ये है, वो भी दर्शा सकते हैं हम। इसके बाद सेक्शन फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके पी के, पी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई, हम यहाँ पे इकट्ठे निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा, पहला एक्स का आएगा, दूसरा किसका आएगा वाई का आएगा। 2 में किसके साथ जाएगा, ये 4 के साथ, 2 में 4 हम लिख देंगे 2 में 4 प्लस 3 में -1 3 में -1 डिवाइड बाय 2+3। क्वेश्चन वाले को देखिए सामने से दिखना चाहिए कि 2+3 किया है, यहाँ ऐसे नहीं है कि हम 5 का 5 लिख देंगे, 2 × 4 यहाँ यहीं पे 8 लिख दें, हम नेक्स्ट स्टेप में भी करके दिखा सकते हैं। 2 × -3 2 × -3 यहाँ पे इंटू का निशान लगा लें, प्लस में 3 × -3 × +7 डिवाइड बाय 2+3। देखिए आप यहाँ से x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और सॉल्यूशन करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 2 × 4 8 प्लस 3 × -1 -3 तो माइनस क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय
टू प्लस थ्री कितना आ गया फाइव, टू इंटू में माइनस थ्री माइनस का सिक्स, और सेवन इंटू में थ्री कितना आ गया ट्वेंटी वन, डिवाइड बाय टू प्लस थ्री कितना आएगा फाइव आएगा। सॉल्व करते हैं इसको और आगे देखिए, आठ में से तीन जाएंगे तो पांच, तो पांच डिवाइड बाय पांच क्या आ जाएगा वन, इक्कीस में से माइनस का छह जाएगा तो क्या जाएगा कितने आ जाएंगे, इक्कीस में से छह जाएंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन डिवाइड बाय फाइव तो कितना आ जाएगा थ्री। ये क्या आ गया, वो पॉइंट आ गया जो डिवाइड करता है ए बी को किस रेशो में, टू रेशो थ्री में। हम लिख देंगे लास्ट में जो पी पॉइंट है या कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लास्ट में लिखनी है आपने ये लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या देंगे वन और थ्री। आपने ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने है, क्या दिया हुआ है देखिए उसको भी। आज तो कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद के नारे आने चाहिए, देशभक्ति भी पता लगनी चाहिए तुम्हारे अंदर कितनी देशभक्ति है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर और माइनस वन, फोर एंड माइनस वन एंड माइनस टू और थ्री। देखिए अभी आपको बताया है ट्राइसेक्शन की बात, तो ट्राइसेक्शन की बात की है तो क्या आएंगे, देखिए एक पॉइंट अपने को क्या दे दिया, इसको पी ले लिया हमने फोर और माइनस वन, दूसरा पॉइंट क्या ले लिया हमने क्यू ले लिया जो कि क्या है माइनस टू और माइनस थ्री। क्वेश्चन को आसान बनाएं, देखिए ऐसा क्वेश्चन फाइव मार्क्स के अंदर ज़रूर आता है, और यही क्वेश्चन क्या है बच्चों को क्या करते हैं कन्फ्यूज करते हैं। ट्राई सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, तीन भाग बना देंगे इसके, तीन भाग बना देंगे, जो बीच वाले पॉइंट है उनके नाम देंगे हम, इसको एक्स दे दिया और इसको क्या दे दिया वाई, इसके पॉइंट लेट कर लेंगे हम एक्स वन और वाई वन, इसके पॉइंट लेट कर लेंगे एक्स टू और वाई टू, या एक्स वन वाई वन की जगह आप कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं, इसको टू टू लिख दें यहाँ पे, थ्री लिख दें यहाँ पे, फोर लिख दें, जो भी आपने जो मर्जी। अब क्या बताया गया है ट्राई सेक्शन का मतलब, आपको पहले भी बताया था कि तीन भाग होंगे जो कि क्या होंगे इक्वल, ये भी इसके इक्वल और आपस में तीनों इक्वल, तो क्या रहेगा इसकी भी वैल्यू वन, इसकी भी वैल्यू वन, इसकी भी वैल्यू वन, अगर इसकी वैल्यू टू तो इसकी भी टू तो इसकी भी टू, मतलब सभी बराबर। तो क्या आएगा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या रेशो बनेगा, एक्स पॉइंट का रेशो, एक्स पॉइंट का रेशो, इससे पहले कितना है वन और बाद में कितना है वन प्लस वन कितने हैं टू पॉइंट है, तो क्या आएगा जो एक्स पॉइंट है वन, रेशो क्या आ जाएगा टू। देखिए ये यहाँ तक वन और ये सारा कितना है टू। अगर मैं वाई पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है वन और वन टू, हम लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है टू और यहाँ से यहाँ तक कितना है वन, मतलब टू रेशो क्या आ जाएगा वन। इसको हमने टू रेशो वन से फाइंड आउट करना है, इसको हमने किससे करना है वन रेशो टू के साथ करना है। लेट कर लेंगे चीज़ें क्या कि पी पॉइंट को हमने ये लिया और क्यू पॉइंट को ये लिया और एक्स पॉइंट को हमने लिया एक्स वन कोमा वाई वन और वाई पॉइंट को क्या ले लिया एक्स टू और वाई टू, जो कि एक्स पॉइंट है
इन दोनों पॉइंट को जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, देखिए आप क्या करें, एक बार आधा क्वेश्चन करके देखें, बहुत अच्छे से आएगा। आधा क्वेश्चन भी कैसे करें, इस पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट नहीं है। इसको क्या आएगा, ये वन रेशो क्या आएगा, टू। हमने पहले बताया था, ये हमने इसको उल्टा लिख लिया। अगर ये इस क्वेश्चन में आधा कर लेते हैं तो वन रेशो क्या रहेगा, यहाँ पे टू रहेगा, और वन रेशो टू रहेगा तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन इंटू में माइनस टू, वन इंटू में माइनस टू, टू इंटू में फोर, डिवाइड बाय वन प्लस टू कितना आ जाएगा, थ्री। ये इसका एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। आगे वन इंटू में माइनस थ्री, प्लस में टू इंटू में माइनस वन, डिवाइड बाय वन प्लस टू। देखिए यहाँ पे पता लगना चाहिए कि हमने वन प्लस टू लिखा है या क्या लिखा है। अगर वन प्लस टू लिखा है तो हमने एक्स पॉइंट निकाला होगा, अगर टू प्लस वन लिखा है तो हमने ये पॉइंट निकाला होगा। हमारे भी ध्यान में रहेगा ये चीज़ें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का टू और प्लस का एट, तो कितना बचेगा, प्लस का सिक्स डिवाइड बाय थ्री। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का थ्री और माइनस का टू, माइनस टू और थ्री माइनस का फाइव डिवाइड बाय क्या आएगा, थ्री। यहाँ से काटें तो कितना आ जाएगा, टू। क्या आ गया, टू कोमा माइनस फाइव बाय थ्री। किसके पॉइंट आ गए, ये एक्स की। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर इस एक्स के पॉइंट आ गए, इसको भूल जाए। अब यहाँ पे पॉइंट लेट किया था हमने वाई, इससे पहले कितना है, वन और वन टू, और इसके बाद में कितना है, वन। टू रेसो वन से वाई के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू और जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।